हाई एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज ऑल आर डूइंग। और आज का वीडियो बहुत ही छोटू सा एक वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे शूट करती हूँ। तो बिना बकबक करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल भी ना भूलना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे शूट करती हूँ डे में। अगर आप नाइट में मैं कैसे शूट करती हूँ, अगर आप वो जानना चाहते हो, क्योंकि नाइट में ना मैं लाइट यूज़ करती हूँ, रिंग लाइट यूज़ करती हूँ, सो वो वाला कैसे शूट करती हूँ, अगर वो जानना है तो कमेंट करना पड़ेगा। अभी मैं दिखाऊंगी कि मैं डे में कैसा शूट करती हूँ। तो अभी एक ब्रांड प्रमोशन के लिए मैं रेडी हो रही थी, तो अभी सोचा कि एक ब्लॉग शेयर किया जाए। सो जैसे कि पीछे देख पा रहे हो, एक काला धागा टाइप का है, यहाँ पे मैंने रस्सी बांध ली है वहाँ से एकदम यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई स्टैंड नहीं खरीदा है। अगर आपके पास ये करने का जगह है तो अभी फ़िलहाल मुझे स्टैंड की ज़रूरत है नहीं। सो जब ज़रूरत होगी तब देखा जाएगा, बट अगर आपके पास बहुत अच्छी एक वॉल है, जैसे कि मेरे पास भी है, यहाँ पर बहुत अच्छी एक प्लेन वॉल है, बट मैं वहाँ पे अभी फ़िलहाल शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सनलाइट की अभी ज़रूरत है। जब मैं ये लाइट में शूट करती हूँ, रिंग लाइट में, तब मैं वहाँ पे शायद शूट करती हूँ, शायद क्या, बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जहाँ पे मैं वहाँ पे मैंने शूट किया हुआ है। सो अभी मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैं बैकड्रॉप अभी लगाऊँगी, सो वो देख लेते हैं। तो अभी ये देख पा रहे हो कि इस टाइप का मैंने बॉक्सेस को रेडी कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ अपना मिरर, ताकि मैं बैक कैमरे से शूट करूँगी तो मैं दिखा पाऊँगी। तो जस्ट देखो, इस तरह से मैंने मिरर सेट कर दिया है, ताकि मैं अगर यहाँ पे बैठूँगी ना तो यहाँ पे मैं बैक कैमरे से खुद को देख पाऊँगी। तो इसलिए मैंने ये जुगाड़ का सोचा है। ये अगर ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जो लोग बैक कैमरे से शूट करना चाहते हो बट नहीं कर पाते हो, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होगी, क्योंकि मैं भी पहले ऐसी थी कि बैक कैमरे से कैसे शूट करें, बट क्वालिटी ट्रस्ट में बहुत अच्छी आती है। तो अभी तो मैं जब जो भी शूट करती हूँ सब मैं बैक कैमरे से शूट करती हूँ, ब्लॉगिंग को छोड़ के। ब्लॉगिंग भी मुझे ट्राई करना पड़ेगा। सो और हाँ, यहाँ पे तो बैठने मैं बैठ के शूट करती हूँ, बाय द वे मैं खड़े होकर शूट नहीं करती हूँ। सो बैठने का भी जगह दिखा के एकदम सेट करके आपको लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैठने का जगह रख दिया है, एंड यहाँ पर बैकड्रॉप है, जस्ट दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ के शूट करती हूँ, एंड जैसे कि मैंने बताया कि मेरे सामने ही मिरर है, तो अगर मैं बैक कैमरा से शूट करती हूँ तो मैं मिरर को खुद को देख लेती हूँ कि ठीक ठाक मैं फ्रेम में आ रही हूँ कि नहीं। बहुत ही सिंपल सा, बस आपको अगर जो लोग सोच रहे हैं ना वे वीडियो करना है लेकिन बहुत सारी चीज़ है नहीं, बट डोंट वरी, एंड ट्रस्ट मी, आपका अगर कोई अच्छी बैकड्रॉप भी नहीं है, अगर जैसे कि मैंने बताया कि अगर अच्छी वॉल हो तो सही है, आपको कोई और कुछ भी चीज़ का नीड नहीं है। अगर यहाँ पे बैठ के मुझे शूट करना है तो मुझे बैकड्रॉप चाहिए, और मैंने ब्लैक कलर का बैकड्रॉप इसलिए चूज़ किया ताकि ना अगर आप बैक कैमरा से शूट करते हो तो पीछे जो ब्लैक कलर का है वो एकदम म्यूट कर देता है, एंड आपका जो फेस है, आपका जो बॉडी है, वो बहुत अच्छे से हाईलाइट करती है। इसलिए मैंने ब्लैक कलर का बैकड्रॉप चूज़ किया है। अगर चाहो तो आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, आप नॉर्मली जो भी है यार बना सकते हो। 3 साल हो चुका है मुझे इस जर्नी में, एंड मैं अभी भी 1000 सब्सक्राइब में अटकी हुई हूँ। अभी तो शॉर्ट्स बहुत लोग डाल रहे हैं, बहुत वायरल हो रहे हैं, शॉर्ट्स बहुत ईजी हो गया है, बट तब लॉन्ग वीडियोस ज़्यादा थी। और अभी मैं ना वो अट्रैक्शन के लिए ऐसा कुछ शॉर्ट्स मैं डालती नहीं हूँ कि मैं वायरल हो जाऊँ, बट क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, मुझे मेरी रियल ऑडियंस चाहिए, जो फेक नहीं चाहिए। सो दैट्स वाई मैं आज यहाँ पे हूँ, 1000 सब्सक्राइबर्स लेके बैठी हूँ, अभी 1500 होने को जा रहा है। सो आई होप आप लोगों को हेल्प हो चुकी है। अगर आपको मेरी जर्नी जानना है कि मेरी 3 साल की यूट्यूब और इंस्टाग्राम की जर्नी कैसी रही है, तो मुझे कमेंट करके बताना। एक दिन बैठ के मैं पूरी हिस्ट्री बताऊंगी, मेरी स्ट्रगल कैसी रही है, मैंने किस तरह से पहला रिंग लाइट लिया था, एंड किस तरह से स्टार्टिंग की थी, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो, क्योंकि आप लोग सुनोगे नहीं तो मैं क्या बनाऊँ।
सो क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा पता नहीं। सो अगर आप कमेंट करो, अगर कमेंट आए ज़्यादा लाइक आए सो मैं डेफिनेटली वो जर्नी, मेरा जर्नी जो 3 साल हो चुका है, मैं शेयर करूँगी। सो आई होप मैंने दिखाया कि बहुत सिंपल तरीके से भी आप कैसे शूट कर सकते हो। सो बहुत लोगों को हेल्प होगी, ये बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैं उन लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो ग्रो कर। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मुलाकात होती है बहुत जल्दी कोई से इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय।